सुप्रीम कोर्ट से हार गए तो लोकसभा के चुनाव में इसको प्रमुख मुद्दा बनाया और राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लोकप्रिय ईमानदार नेता को चोर कहा है. इट इज इंडीड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स दैट मिस्टर राहुल गांधी द देन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज स्टूप्ड टू द शेमफुल एक्सटेंट ऑफ मिसकोटिंग सुप्रीम कोर्ट डेलिबरेटली एंड कॉन्शियसली. The Supreme Court also has affirmed that Mr. Narendra Modi is a thief. इससे अधिक कोई भर्सना योग्य बात हो नहीं सकती. आज मैं सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू का तो बीच में लोकसभा में भी हार गए और फिर रिव्यू कराया था तो तीन स्तर पर लड़ाई हुई. पहले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, फिर लोकसभा में बताया और फिर रिव्यू चला. राहुल गांधी के खिलाफ कंटेम्प्ट हुआ था सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करने के लिए. और आज मैं आप जान लें कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यूनानिमस है. आज का तीनों जज ने कहा है रिव्यू इज नॉट मेंटेनेबल. एक जज ने हमने कुछ तर्क दिए हैं बट तीनों ने साफ साफ कहा है रिव्यू इज नॉट मेंटेनेबल.